क्या पाकिस्तान में भी सनातन धर्म फैल रहा है दुनिया के कट्टर मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म की खूब धूम मच रही है दोस्तों अमेरिका रूस यूरोप और चीन ही नहीं बल्कि अरब के देश और अब पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं पाकिस्तान जहां उन्नीस के बंटवारे से लेकर अब तक हिंदुओं के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हुए हैं आए दिन उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने की खबर तेजी से सामने आती रहती है दुनिया के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसी पाकिस्तान में पाकिस्तानी युवा मुसलमान हिंदू धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं इससे पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं मगर सवाल यहाँ यह आता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में मुसलमान इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं आखिर क्यों पाकिस्तान के युवा मुस्लिमों को हिंदू धर्म इतना पसंद आ रहा है इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दुनिया के कोने कोने में फैला इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है मगर कई लोगों का यह आरोप भी है कि इस्लाम को कट्टरपंथियों ने जोर जबरदस्ती के साथ फैलाया है और गैर मुसलमानों से जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है हालांकि इस्लाम स्कॉलर हमेशा इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में जबरन कन्वर्शन नहीं होता है और ना ही इस्लाम में कट्टरता है दोस्तों तो इस्लाम की कट्टरता वाली बात पर अगर नज़र डालें तो कई हद तक ये ठीक भी है क्योंकि अगर हम अरब के इस्लामिक देशों को देखें तो वह इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को भी उन देशों में अपनी मर्जी से रहने और अपने रीति रिवाज को फॉलो करने की इजाज़त देता है लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो समझ आता है कि पाकिस्तान में कट्टरता कितनी ज़्यादा फैली हुई है यही कट्टरता आज पाकिस्तान में इस्लाम के लिए ख़तरा बनी हुई है पाकिस्तान के युवा अब इस्लाम की कट्टरता से परेशान हो चुके हैं और धीरे धीरे ख़ुद को पाकिस्तान से और इस्लाम से दूर कर रहे हैं पाकिस्तानी कट्टर मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों से ये बात साफ़ नजर आती है कि किस तरह से पाकिस्तान में खुद मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है और उनके रहने लायक भी पाकिस्तान नहीं रहा है दोस्तों आपको पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे जिनकी संख्या करीब चार लाख है दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामिक किताब यानी कुरान शरीफ साइंस के सभी आधारों को नकारती है जबकि कुरान शरीफ सिर्फ 1400 साल पुराना है बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता का ही पाठ करते हैं क्योंकि भगवत गीता साइंस की सभी बातों पर खरी उतरती है भगवत गीता में साइंस से जुड़ी और इस दुनिया से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे किसी भी इंसान की जिंदगी सुधर या संभल सकती है यही वजह है कि पाकिस्तान के मुस्लिम युवा भगवद गीता का पाठ करते हैं और अपनी जिंदगी के कई सवालों का जवाब हासिल करते हैं पाकिस्तान में गरीबी के बढ़ने का कारण भी पाकिस्तानी मुस्लिम युवा इस्लाम को छोड़ रहे हैं दोस्तों तो पाकिस्तान में मुसलमान सीधे तौर पर इस्लाम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को छोड़ना एक क्राइम माना जाता है इसलिए पाकिस्तानी युवा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कई एक्स मुस्लिम्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करते हैं ऐसे ही एक एक्स मुस्लिम हैं जिनका नाम एडम सीका है ऐडम सीका यूट्यूब पर अपनी लोकेशन बताए बग़ैर इस्लाम की कट्टरता और पाकिस्तान की हकीकत को यूट्यूब पर दिखाते हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के युवा भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं दोस्तों तो पाकिस्तान में गरीबी काफ़ी वक्त से है और अब ये और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आम जनता आटा तक नहीं खरीद पा रही है इतना ही नहीं बल्कि लोग अपनी बाइक और कार तक को नहीं चला रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग पैदल ही चलने को मजबूर हैं पाकिस्तान में लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है इसी गरीबी की वजह से पाकिस्तान के पढ़े लिखे युवा इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रहकर किसी का हिंदू होना आसान काम नहीं है इसलिए ज़्यादातर युवा पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और फिर विदेश में जाकर हिंदू धर्म को अपना लेते हैं ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है शायन अली जिन्होंने हाल ही फिलहाल में इस्लाम धर्म को छोड़ा है और हिंदू धर्म को अपनाया है शायन पाकिस्तान में जन्मे और पले बड़े हुए हैं मगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे और फिर पाकिस्तान का इतिहास पढ़ा है तो जान पाए हैं कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे जिन्हें मुग़लों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया था मगर अब शायन ने अपनी घर वापसी कर ली है और हिंदू धर्म को अपना लिया है शायन ने ट्विटर पर अपने हिंदू होने की खबर शेयर की थी लिखा था कि पिछले दो साल से अपने पूर्वजों की संस्कृति और जीवन शैली को देखने के बाद आज मैं आधिकारिक तौर से घर वापसी की घोषणा करता हूं। मुझ पर भरोसा रखने के लिए स्कॉन का धन्यवाद शायन अली ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एजेंसियाँ उन्हें परेशान करती थीं और वह डिप्रेशन में चले गए थे उसके बाद स्कॉन ने शायन अली को सहारा दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया शायन अली ने यह भी कहा कि जल्दी ही वह पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे और अपनी मातृभूमि को नमन भी करेंगे शायन अली की तरह ही कई पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमान ये मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वह मुग़लों के जरिए कन्वर्ट किए गए मगर इस्लामिक कट्टरता की वजह से उनके इस्लाम छोड़ना बहुत ही मुश्किल है भारत में तो फिर भी इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाना आसान है मगर पाकिस्तान में इसकी मौत की सजा है मगर पाकिस्तान को समझना चाहिए कि किसी भी धर्म में किसी भी देश में कट्टरता से काम नहीं चलता यह नुकसानदायक होती है दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब के कई देशों में भी इस्लाम धर्म को छोड़कर मुसलमान हिंदू बन रहे हैं इसमें सबसे पहले नंबर आता है दुबई का जहाँ एक नहीं बल्कि नए नए दो हिंदू मंदिर बनाए गए हैं इसके अलावा खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी हिंदू धर्म से अच्छी खासी रुचि रखते हैं और वह भी श्रीमद भागवत गीता का पाठ करते हैं दुबई में बने हिंदू मंदिर की वजह से वहाँ भी हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी होगी और यही नहीं मुसलमानों में भी हिंदू धर्म के लिए श्रद्धा जागेगी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले तीन सालों में सऊदी अरब में एक करोड़ से ज्यादा अरबी में लिखी भगवत गीता की कापियां बिक चुकी हैं ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है और मुसलमानों के विश्वास को और भी मजबूत करता है अरब में उनकी करोड़ों मतलब तो को अपनाना चाहते हैं कुछ अपना लेते हैं कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की बातों में उलझ कर रह जाते हैं इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों भारत में मुसलमानों में हुए सर्वे के अनुसार सिक्स मुसलमानों को तो अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है दोस्तों पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं और यहाँ तक इस्लाम भी छोड़ रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर एक नई रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में भीख मांगने वाले बिखारी पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान की जनता की ऐसी हालत की वजह से यहाँ के पढ़े लिखे युवा इस्लाम छोड़ रहे हैं दोस्तों मुसलमानों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना हो या हिंदुओं को मुस्लिम में बनाना हो दोनों ही कंडीशन में किसी भी इंसान की खुद की अच्छा होना बाज है किसी भी शख्स को मौत का डर या पैसों का लालच देकर उसका धर्म बदलवा दिया जाए यह ना तो अल्लाह को मंजूर होगा और ना ही भगवान को किसी भी इंसान को अगर अपना धर्म बदलना है तो वो बिना डरे बिना दबाव के बदले क्योंकि इससे उसके मन में शांति मिलेगी किसी भी व्यक्ति का धर्म उसकी अपनी सोच और राय से होनी चाहिए ना कि समाज या लोगों का दबाव दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी बाय बाय दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही है जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें